हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। जोसा 2021 की काउंसलिंग से वो स्टार्ट हो चुकी है। अभी हमारी प्रोसेसिंग है वो धीरे धीरे आके बढ़ रही है, ठीक है। जैसे कि अगर हम सबसे पहले बात करें तो रजिस्ट्रेशन से वो हो गई है, जिसमें चॉइस फीलिंग्स भी हो गई, आप सभी ने अपनी चॉइस फीलिंग्स कर ली है। उसके बाद राउंड वन का जो मॉक सीट अलोकेशन है, मतलब राउंड वन का नहीं, जो मॉक सीट अलोकेशन जो फर्स्ट है वो आप सभी को शो कर दिया गया है, उसके अंदर आप सभी को पता चल गया है, ठीक है। अभी जो मॉक सीट अलोकेशन जो सेकेंड आने वाला है उसके बारे में भी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो मैं डिस्कशन करने वाला हूँ, और उससे जो नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो चॉइस फीलिंग्स एंड लोग का है, उस पर आपको सबसे ज्यादा ध्यान रखना है, ठीक है। तो उसी के बारे में इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। चलो शुरू करते हैं हमारे इस वीडियो को बिना किसी देरी के। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सबसे पहले चाहिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे पॉइंट्स पर डिस्कशन करते हैं। सबसे पहले आप सभी ने अपना राउंड वन जो मॉक सीट लोकेशन है उसके बेस पर आपको पता चल गया होगा कि कौन से कॉलेज के अंदर आपका एडमिशन हो सकता है, कौन से कॉलेज में नहीं हो सकता है, ठीक है। आपको क्या करना है, बस लास्ट की जो कट ऑफ वगैरह है ना, जो ओपनिंग एंड क्लोजिंग रैंक से उनको कंपेयर करना है, ठीक है। उसके बेस पे आपको पता चल जाएगा भी आपको इस साल कौन से कॉलेज के अंदर सीट्स वो मिलेगी। अब देखिए यहाँ पे क्या था कि फर्स्ट राउंड यहाँ पे जो मॉक सीट अलोकेशन हुआ है उसके बाद आप सभी को अंदाज़ा लग गया होगा कि आपको किस कॉलेज में एडमिशन्स हो सकता है, किस कॉलेज में नहीं हो सकता है। तो उसके बेस पे अभी आपको क्या करना है, अपनी चॉइस फीलिंग्स अगर आपको चेंज करनी है तो आप उसे चेंज कर सकते हो। बाकी आप वेट कीजिए आज की डेट का, आज की डेट में जो सेकेंड मॉक सीट अलोकेशन है वो आप सभी को शो हो जाएगा, उसके बाद आप कुछ चेंजेस करना चाहते हो तो आप चेंज कर सकते हो, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा कि मॉक सीट अलोकेशन के अंदर आप सभी को पता चल जाएगा ओबियसली कि भी किस कॉलेज के अंदर कंडीशन है वो क्रिएट हो रही है। अब आपको लास्ट ईयर की जो ओपनिंग एंड क्लोजिंग रैंक जो है ना वो चेक करनी है कि कितनी क्लोजिंग रैंक पे लास्ट ईयर उस कॉलेज के अंदर जो सीट्स है उनको बंद कर दिया गया था। तो उस तरीके से आपको मेंशन से वो सारी चीज़ें नोटिस करनी है, ठीक है। उसके बेस पे अगर आप अपनी चॉइस वगैरह है वो चेंज करना चाहते हो तो चेंज कर सकते हो अभी भी, ठीक है। अब आपको चॉइस चेंज करने का टाइम दिया जाएगा 25 अक्टूबर तक। तो 25 अक्टूबर जो नेक्स्ट स्टेप जो आपका है चॉइस फीलिंग्स का जो लॉकिंग करने का है, तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इस पर फोकस कीजिए। सबसे पहले ध्यान रखने वाली बात कि जैसे कि आपने अगर फर्स्ट राउंड में जैसे कि जब आपने जब रजिस्ट्रेशन की थी, जब आपने चॉइस फीलिंग्स की थी उसके अंदर आपने कोई भी चेंजेस नहीं किया है, ठीक है, और यहाँ पे अगर आप लो करना भूल जाते हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो चॉइस आपने शुरू में लो चूज़ की थी वही सारी ऑटोमेटिकली लो वो हो जाएगी, ठीक है। लेकिन आपने जो मॉक सीट अलोकेशन फर्स्ट हुआ है या सेकंड हुआ है उसमें आपने कुछ चेंजेस किए हैं, ठीक है, तब आपको लो करना जरूरी हो जाता है। अदरवाइज अगर आप अब ये नंबर याद कर लीजिए 8400400400, चाहे आपका क्वेश्चन हो मैथ का हो, फिजिक्स का हो, केमिस्ट्री या बायोलॉजी का हो, सबके प्रॉब्लम्स या डाउट्स का आपको सॉल्यूशन मिलेगा आपको अपने व्हाट्सएप नंबर पे। अभी आपको ये नंबर है वो याद कर लेना और सेव कर लेना अपने मोबाइल नंबर में 8400400400, और आपको अपनी चैट ओपन करनी है। जो भी आपको क्वेश्चंस में प्रॉब्लम लगे उस क्वेश्चंस की आपको फोटो क्लिक करनी है, क्रॉप कर लेना, विद इन 5 सेकंड के अंदर आपको उसका वीडियो सॉल्यूशन मिल जाएगा। क्वेश्चन चाहे आपका 6 से लेकर 12 नीट IIT JEE और CBSE बोर्ड या अदर किसी भी स्टेट्स बोर्ड का हो, सबके सॉल्यूशंस मिलेंगे। बस आपको 8400400 सेव कर लेना है। बाकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, वहां पे आप जाकर आप लॉक नहीं करेंगे तो जो सबसे पहले आपने चॉइस फीलिंग्स सिलेक्ट की थी, जो आपने कॉलेजेस चॉइस किए थे वो सारे ऑटोमेटिकली लॉक्ड हो जाएंगे, ठीक है। तो ध्यान रखना है अगर आप कुछ चेंजेस कर रहे हो तो उसको बाद में जाके लॉक करना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। तो बाद में जाके सभी जितने भी आपने चॉइस किए हैं उन सभी को लॉक वो कर दीजिए, ताकि आपका कोई भी कॉलेज जब वो ऊपर नीचे चेंजेस वो ना हो, और उसका एक प्रिंटआउट भी निकलवा ले, ठीक है। प्रिंटआउट निकल जाता है ओबियसली, कोई बड़ी बात नहीं है। उसके बाद हमारा राउंड फर्स्ट का सीट जो सीट अलोकेशंस का रिजल्ट है वो अनाउंसमेंट हो जाएगा 27th को, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है कि आपको जितनी भी चॉइस फीलिंग्स अगर उसके अंदर चेंजेस कर रहे हो तो उन्हें लॉक जरूर कर देना है, ठीक है। इसके अलावा अगर आप कुछ और भी इन्फॉर्मेशन जानना चाहते हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। आने वाली वीडियोज़ के अंदर हम और भी पॉइंट्स के ऊपर डिस्कशन से वो करेंगे। तो थैंक यू, कीप लर्निंग एंड कीप वॉचिंग माई चैनल।